कुछ पाने के चक्कर में नहीं गालिब खोया बहुत कुछ ही है हमने। आपके पोस्टर पे एक लाइन लिखी हुई है, उसने हमारा काफी ध्यान खींचा, तो हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या खोया आपने। माननीय अरविंद सिंह गोप जी का मान सम्मान रखते हुए हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पार्टी का हित। एक सुगबुगाहट है धर्मेंद्र जी, विद्रोह। समाजवादी पार्टी अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दे रही है, समाजवादी पार्टी से भी तय नहीं है, वर्मा समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरेंद्र वर्मा जी मैदान में है, एक बड़ी परिचर्चा है कि वो एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं, एक समीकरण निकल कर आ रहा है नगर पालिका में कुर्मी बनाम कुर्मी का, समर्ण की सीट पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव या कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी दो बार काबिज है। कुछ पाने के चक्कर में नहीं गालिब खोया बहुत कुछ ही है हमने, इन लाइनों ने हमारा ध्यान खींचा। और ये लाइनें लिखी हुई थी समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव के पोस्टर पर। धर्मेंद्र यादव जी यादव समाज के बड़े नेताओं में बाराबंकी में गिने जाते हैं, आज हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने नगर पालिका में अपनी दावेदारी ठोक कर यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया है। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पोस्टर पे एक लाइन लिखी हुई है, उसने हमारा काफी ध्यान खींचा, तो हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या खोया आपने। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने काफी कुछ खोया है, बहुत ही प्रताड़ना झेली है, बहुत ही सताया गया उनको, सब कुछ सहते हुए भी वो हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बराबर खड़े नजर आ रहे हैं। चेयरमैनी के चुनाव में आपकी दावेदारी माहौल को गर्म कर दी है, क्या लगता है कितना आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी आपको चुनने जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो निर्णय होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, पिछली बार भी मैं रनर रहा हूँ और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना आशीर्वाद हमको देंगे। पिछली बार की आपने बात की तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि अभी हाल ही में बाराबंकी में पूरे प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, उसमें आपको एक सीट पर संतोष करना पड़ गया, सपा के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप जी के कारण आप मान गए, आप वहां पर ब्लॉक प्रमुखी की दावेदारी नहीं की, आपके भाई का परिवार से वहां पर ब्लॉक प्रमुखी हो गई, भाजपा ने वहां से कोई प्रत्याशी नहीं दिया, कितनी बार संतोष करेंगे धर्मेंद्र यादव? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी का वो था कि इस बार आप जो है मेहनत से लड़ाइए, आपको आगे जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, तो उसकी बात मान सम्मान रखते हुए और माननीय अरविंद सिंह गोप जी का मान सम्मान रखते हुए हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पार्टी का हित हो। एक सुगबुगाहट है धर्मेंद्र जी, विद्रोह। समाजवादी पार्टी अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दे रही है, आपके भाई यहां से विधायक हैं और तीन बार विधायक हुए, क्या लगता है कि क्या धर्मेंद्र यादव विद्रोह कर देंगे? देखिए, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जाता जा सकता है क्योंकि अभी तो आरक्षण आया नहीं, और जो भी निर्णय होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होगा। मान के चलिए अगर कुछ ऐसा होता है कि विद्रोह की बात निकलती है या कुछ भी ऐसा होता है, धर्मेंद्र यादव के लिए कौन सी पार्टी उपयुक्त लग रही है, क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव समाजवादी रहा है, आजीवन रहेगा, बस यही कहना चाहूंगा। बड़ी बात आती है नगर पालिका की, अगर नगर पालिका की बात करें तो इस बार परिसीमन विस्तार हुआ है। एक जो बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि परिसीमन के बाद जो भी सीमा विस्तारित क्षेत्र हुए हैं, इन बेल्टों पर जो भी वर्चस्व है वो यादव और कुर्मी समाज का अधिकतर, या कह लें ओबीसी पिछड़ा वर्ग का ज्यादा है। क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव को कोई मौका देती है तो जो विस्तारित क्षेत्रों में बड़ी संख्या बड़े वोटर हैं, क्या इससे आपको फायदा मिल सकता है या समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है? देखिए, आपकी बहुत सही बात आपने पूछी है, इससे फायदा केवल बैकवर्ड ही मिल सकता, क्योंकि जो विस्तारित सीमा जो बढ़ी है इसमें बैकवर्ड की ही संख्या है, जिससे बैकवर्ड जो भी प्रत्याशी होगा उसको समुचित लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी से भी तय नहीं है, वर्मा समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरेंद्र वर्मा जी मैदान में है, एक बड़ी परिचर्चा है कि वो एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं, एक समीकरण निकल कर आ रहा है नगर पालिका में कुर्मी बनाम कुर्मी का, समर्ण की सीट पर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव या कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी दो बार से काबिज है, कुर्मी समाज को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, और अगर विधानसभा की बात छोड़ दें तो बाराबंकी की चेयरमैनी की सीट पर भी कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने का मौका यादव समाज को नहीं मिला, क्या तैयारी क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, मैं आपको बता दूं नितेश जी कि लोकतंत्र है, जहां सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, बाकी जो निर्णय पार्टी लेगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे, और अगर हमें टिकट देती है तो भारी मतों से जीत के आएंगे,
सुरेश जी के पोस्टर पर आपके भाई के फोटोज लगे हैं, कितना समर्थन मिलेगा उनको, किसे समर्थन मिलेगा आपको या उनको? विधानसभा चुनाव की अगर बात करें धर्मेंद्र जी, तो एक जो बात निकल कर आ रही थी, जैसा कि आपने उस तत्समय बयान भी दिया था कि जो पारिवारिक बातें थी उन बातों को छोड़कर आपने सपा के निर्देश पर चुनाव का प्रचार किया था और एक बड़ी जीत, एक प्रचंड जीत आपके भाई ने यहां से हासिल की और एक रिकॉर्ड बनाया, एक हैट्रिक बनी समझ लीजिए यहां से लगातार जीतने की, ऐसे में क्या देखते हैं आप? देखिए आपको बताऊं मैं कि हर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ बातें हो जाती है जिसमें गलतफहमियां होती है, फिर हम लोगों ने बैठ के गलतफहमियां दूर कर ली। बड़े भाई थे, जो भी था, जो भी निर्देश हुआ परिवार से, लोगों से, रिश्तेदारों से, तो उसको मैंने मानते हुए विधायक जी के समर्थन में आ गया। मेरी कोई बात ऐसी है नहीं दोनों में। अच्छी बात है, परिवार है, परिवार को एक रहना चाहिए और इससे एक अच्छा संदेश भी जाता है। मौजूदा समय में आप सपा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सदस्य भी हैं, क्या लगता है कि जनता का कितना झुकाव इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है? क्या लगता है स्थानीय निकाय चुनाव में सपा को वो जीत मिलेगी जिसके लिए अखिलेश यादव इतने दिन से परेशान है? भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके नेताओं का कहना है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं ये 2024 का एक रिहर्सल है। क्या लगता है इस रिहर्सल में समाजवादी पार्टी कितना सफल होने जा रही है? इस समय जो हालात हमारे बाराबंकी जिले का है, उसमें आप इतनी बीमारियां, नालियां, गंदगी का अंबार भरा हुआ है। जनता पिछली बार चुनाव में जो समझ नहीं पाई थी, किसी के भटकावे में आ गई थी, अब जनता जागरूक हो गई, जनता को पता चल गया कि कौन हमारा है, कौन हमारा प्रतिनिधित्व ठीक से कर सकेगा। तो अब जनता का पूरा मन बना लिया है कि इस बार जो है बदलाव ही जरूरी है, बदलाव करके ही जनता का वो आशीर्वाद लिया जा सकता। बाकी बैनर, पोस्टर होल्डिंग और दावा टिकट करने से कोई मतलब नहीं है, जो जनता के बीच रहेगा वही नेता नगर पालिका चुनाव का हकदार हो। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें धर्मेंद्र जी, तो हम लोग काफी पहले से आपको जानते हैं आसी पास के मामले में। अगर आपने सक्रियता की बात की तो मुझे लगता है जो हमारा व्यक्तिगत, हमारी टीम का व्यक्तिगत अनुभव है, वो लगता है कि जमीन पे जिस तरह से आप जितने वर्षों से सक्रिय रहे, आपको वो ओहदा कभी आपकी पार्टी ने नहीं दिया। देखिए ये सब लकीरों का खेल होता है, ये लकीरें थी या किस्मत समझिए, जो भी समझिए, पार्टी ने इस लायक नहीं समझा या जो भी समय है, समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता। ये तो आपको जानकारी, क्या एक कहावत है, वो वक्त से पहले समय ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, तो वो हमारे साथ हुआ है। पिछली बार भी सुखबुगाहट थी कि समाजवादी पार्टी से अगर आपका कोई विद्रोह होता है तो भारतीय जनता पार्टी आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी में एक सुखबुगाहट है क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका की जो सीट है वो लगातार भाजपा के कब्जे में है, अब उन्हें किसी भी प्रकार एन केन प्रकार सीट जीतना है। ऐसे में अगर बात करें बाराबंकी में तो यादव समाज का जो वर्चस्व रहा, जो एक तरफा वोट गिरता है यादव समाज का, उससे आपके भाई को कितना फायदा हुआ है मुस्लिम वोट, और जो एक सबसे बड़ी चीज स्थानीय, उनको हर जाति हर वर्ग का वोट मिला, उनको फायदा हुआ, आप उनके भाई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करती है तो धर्मेंद्र यादव का व्यक्तिगत निर्णय क्या होगा? देखिए अभी तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी काफी समय है, अभी सीट क्लियर नहीं है, अभी आरक्षण भी नहीं है, हम इसका जवाब आपको बाद में बताएंगे जब आरक्षण और सीट क्लियर हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, तमाम जनता आपको इस वक्त देख रही है, आपके चेहरे पे मुस्कान कुछ और बता रही है, क्या कहना चाहेंगे बाराबंकी की जनता को जिसके सामने आप अपने पोस्टर लगवा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता उन्हें संदेश दे रहे हैं, खोया बहुत कुछ ही है। लाइन हालांकि आपके पोस्टर पर लिखी है लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अगर देखा जाए तो वास्तव में आपके चाहे कार्यकर्ताओं का ही संदेश है, खोया उन्होंने बहुत कुछ है। बाराबंकी की जनता को आप क्या देने जा रहे हैं अगर भविष्य में आपको कोई ऐसा मौका मिलता है? देखिए बाराबंकी की जनता को इस चुनाव से पहले, ये चुनाव अब आया है नितेश जी, इससे पहले मैं जनता के बीच ही रहा हूँ। मैं छोटा सा एक वो बिजनेसमैन था, टेंट हाउस दुकान चलती थी हमारी, शिवा टेंट हाउस, सबको मालूम है, जितने लोग हैं हमारे भाई हैं और जनता है, तो वहाँ से सेवा करने का जज्बा जो था वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद सुख दुख में ये लगता था कि जितनी सेवा हो सके जनता के बीच जाके अपनी सेवा करके, हम जितना हमको संतुष्टि, आत्म संतुष्टि मिलती थी तो जनता सेवा से ही मिलती थी, इसीलिए मुझे उसमें खुशी प्राप्त होती थी, मैं जनता की सेवा करता चला गया, उससे जनता हमको लाइक करती, पसंद करती, मानती। बहुत अच्छी बात है। आप थे धर्मेंद्र यादव जी, तमाम बातें बताई, तमाम मुद्दों पे बात हुई,
चाहे वो जातिगत आरक्षण रहा हो, चाहे वो जातिगत वोटों के साधने की बात रही हो, जो भी बातें धर्मेंद्र जी ने बताई वो कहीं ना कहीं इनके लिए सकारात्मक तो है ही है, कहीं ना कहीं जो भी बातें सामने निकल कर आ रही इस पर एक सटीक विश्लेषण की आवश्यकता है जो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाना चाहिए। क्या धर्मेंद्र यादव नगर पालिका के लिए समाजवादी पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी के लिए हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं? बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह बाबा के साथ मैं नितेश मिश्रा।